अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेगरेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है गॉडफादर बाय बोरजान। 15 ml का जूस है इसमें और EDB कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के छोटे से बॉक्स और पैकिंग में आती है जो कि साइज में ऑलमोस्ट एक लिपस्टिक के जितना है। ये फ्रेगरेंस 100 ml में भी आती है जो कि कुछ इस तरह की है, मगर इसे ऑनलाइन ब्लाइंड बाय करने के लिए मैंने 15 ml लेना बेहतर समझा। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं नबॉल किस टाइप की है। बोरजान एक पाकिस्तानी फुटवेयर ब्रांड है जो कि रफूम ग्रुप का एक रिटेल बिजनेस है और ये हाउस लेदर बेल्ट, शूज, पर्स और अब फ्रेगरेंसेज में भी डील कर रहे हैं। और इस हाउस की शुरुआत 1986 में प्रेस्टीज के नाम से हुई थी, मगर सिर्फ 2 साल गुजरने के बाद ही इस हाउस का नाम बोरजान रख दिया गया और आज पाकिस्तान भर में 145 के करीब इनकी आउटलेट्स हैं। गॉडफादर के 2 मतलब हैं, जिनमें से एक का मतलब आप सब जानते हैं, किसी भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या रैकेट के हेड या ताकतवर और बाअसर शख्स को गॉडफादर कहते हैं, और दूसरे का मतलब क्रिश्चियनिटी मजहब में ऐसे शख्स को भी गॉडफादर कहते हैं जो किसी बच्चे को एज अ गार्डियन स्पॉन्सर करे या उसकी जिम्मेदारी उठाए। ओके, सो हियर इज द बॉटल। एक सिंपल मगर बाकी डिकेंट बॉटल की नस्बत थोड़ी सी थिक ग्लास और हैवी बॉटल है। बॉटल पर स्टिकर रैप्ड है जिस पर गॉडफादर, बोरजान, EDP और 15 ml क्वांटिटी मेंशन है। उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक थिन मेटल प्लेटेड कैप है इसका जो कि अंदर से प्लास्टिक का है। कैप की ग्रिप काफी स्ट्रॉन्ग है, सो कैप की मदद से आप बॉटल को उठा सकते हैं। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेगरेंसेज हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मगर मैंने इस हाउस की एक और बेस्ट सेलर फ्रेगरेंस का रिव्यू शेयर किया है जो कि आपको इस चैनल पर बोरजान की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फ्रेगरेंस के नोट्स बोरजान की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन नहीं थे और नोट्स मेंशन करने के बजाय जानबूझकर या गलती से इसमें मौजूद केमिकल इंग्रेडिएंट्स के नाम मेंशन किए गए हैं। सो अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको एक फ्रेश और सिट्रसी लेमन और बिटर बर्गमॉट के नोट के साथ हल्के से फ्रेश ग्रीन एप्पल, फ्रेश ग्रीन नोट्स और मिंटी नोट्स फील होंगे। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेगरेंस और भी ज्यादा ग्रीन, स्पाइसी, अर्दी और थोड़ी सी स्मोकी हो जाती है। और इस फेज में आपको फ्रेश हर्बल और स्पाइसी नोट्स के साथ फ्रेश ग्रीन एप्पल, मिंटी नोट, वेटिवर और वुडी नोट्स फील होंगे। 1 से 1.5 घंटों के बाद जब इसका डाउन स्टार्ट होगा तो इसके डाउन आने तक आपको फ्रेश और स्पाइसी ग्रीन नोट्स के साथ हल्के से वेनिला, वेटिवर और वुडी नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेगरेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, ग्रीन, स्पाइसी, एरोमेटिक, हर्बल, वुडी और थोड़ी सी अर्दी फ्रेगरेंस है। इस फ्रेगरेंस को लेकर डिटेल में डिस्कस करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ पहली वेयरिंग में ये फ्रेगरेंस पकड़ में आ गई थी, मगर वेयर करने के बाद पहले ही घंटे में ये फ्रेगरेंस गायब होना शुरू हो जाती है और 3 घंटे तक आते आते कपड़ों पर भी ज्यादा फील नहीं होती। ये फ्रेगरेंस YSL YGT का काफी डिसेंट क्लोन है, मगर परफॉर्मेंस वाइज ये फ्रेगरेंस काफी वीक है जो कि सिर्फ 30 मिनट की प्रोजेक्शन और बमुश्किल 2 से 3 घंटों की लास्टिंग दे सकी है। और आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं इसकी 15 ml की प्राइस 1400 रुपए और 100 ml की प्राइस 4000 रुपए है। और भले ही प्राइस के हिसाब से ये एक अफोर्डेबल फ्रेगरेंस है, मगर एक वीक फ्रेगरेंस 100 ml बॉटल लेने से काफी बेहतर है कि आप इतने ही पैसों में किसी अच्छी फ्रेगरेंस का पार्शियल या 4-5 अच्छी फ्रेगरेंस के डिकेंट्स बाय कर लें। और यही वजह है कि YouTube पे एक्सक्लूसिव होने के बावजूद मैं इस फ्रेगरेंस का रिव्यू शेयर नहीं कर रहा था, मगर आप में से कुछ फ्रेंड्स इस फ्रेगरेंस का रिव्यू देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अदरवाइज इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी फ्रेगरेंसेस आने वाली हैं जो कि वर्थ बाय करती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।